وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बल तो सीरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरू अबका मोहतरब नाजरीन दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में क्या है मुख्तर सी जिंदगी है दुनिया में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ेगा दुनिया में किसी के लिए भी हमेशगी नहीं है चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मौत का कड़वा घोंट पीना ही पड़ेगा लेकिन कामयाब वो शख्स है कामरान वो शख्स है जो दुनिया में रह करके आखिरत की खेती करे एक मुसलमान की जिंदगी एक मोमिन की जिंदगी आखिरत के मामले में दुनियावी जिंदगी किसान की तरह होनी चाहिए जिस तरह से किसान खेती करता है खेती करने के दिनों में मेहनत करता है हल चलाता है बीज बोता है तो कटाई के दिनों में खुश होता है अनाज घर में आते हैं अगर वही खेती करने के दिनों में बीज डालने के दिनों में किसान आराम से घर में सोया रहे मस्त रहे मगन रहे तो कटाई के दिनों में और लोग जब अनाज को खेत से ला रहे होंगे तो ये अफसोस करेगा काश मैं भी खेती करने के दिनों में खेती कर लिया होता बीज डालने के दिनों में बीज डाल लिया होता तो आज हमारे घर में भी अनाज होते बिल्कुल वही मामला के दुनियावी जिंदगी में आदमी अगर आखिरत की तैयारी में लगा रहे आखिरत को संवारने में आखिरत को सजाने में लगा रहे तो मौत के बाद जब उखरवी जिंदगी से सामना करना पड़ेगा और सामना जब होगा तो खुश होगा खुर्रम होगा नामा अमाल दूसरों को दिखाता फिरेगा देख लो देख लो मैंने दुनिया में जो कुछ जैसी भी जिंदगी गुजारी लेकिन आखिरत को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारी है लेकिन जो लोग दुनिया में मनमानी जिंदगी गुजारते हैं और मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ तक के मौत इसी हालत में आ जाती है क्यामत के रोज अफसोस करेंगे काश अमल कर लिया होता काश नेकियां कर लिया होता यहां तक के रब के सामने गुजारिश करेंगे एक मौका दे दीजिए लेकिन वहां पर मौका नहीं दिया जाएगा अल्लाह तबारक वाली सुर आला के अंदर फरमाता है बल तो दुनिया वल आखिर तो खैर अबका बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है लिहाजा अकलमंदी का तकाजा है एक मोमिन का ईमानी तकाजा है कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में तरजीह ना दे बल्कि आखिरत की जिंदगी को दुनिया के मुकाबले में तरजीह दे रब की नजर में आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है दुनिया की हकीकत क्या है

सिवाय अल्लाह का जिक्र और जो लोग इस पर कारबंद हैं या फिर आलिम यानी दीन बताने वाला या फिर मुतालिम दीन सीखने वाला यानी दुनिया और दुनिया की सारी चीजें मलून है दुनिया में रहना है तो तीन चीजों के दायरे में तीन चीजों के इर्द गिर्द हमें रहना है तब हम क्या है दुनिया की मलबूनीत से निकल करके जिंदगी गुजार रहे हैं वो क्या है इलाही में मसरूफ रहना दुनिया में रह करके अगर जिक्र इलाही में मसरूफ है अल्लाह तबारक वाल को नहीं भूले हुए हैं अल्लाह तबारक वाल को याद कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक वाल की नजर में काबिल मदह है या फिर या तो दुनिया में रह रहे हैं तो दीन बता रहे हैं या तो दीन सीख रहे हैं तो ऐसे तो है। तो लोग क्या अल्लाह तबारक वाल की नजर में दुनिया में रहते हुए काबिल तारीफ है काबिल सतें दुनिया की हकीकत क्या है

वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया लव कानती दुनिया जनाह बाउदा अगर दुनिया की हकीकत अगर दुनिया की कीमत की मच्छर के पर के बराबर भी होती मिसाल देखिए मच्छर के बराबर नहीं मच्छर के पर के बराबर भी आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत होती मच्छर मच्छर के पर उसके बराबर दुनिया की कोई हैसियत आखिरत के मुकाबले में होती अल्लाह तबारक वाला फरमा रहा है मा सका शरबत माँ तो अल्लाह तबारक वाला किसी भी काफिर को पानी का एक घोट तक नहीं देता यानी आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है एक अलग अंदाज में एक

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتراونا هذه حانت على اهلها حين القهب فقالوا من هوانيها القهب يا رسول الله قال ان الدنيا اهوان على الله من هذه على اهلها رواه الترمذي في ابواب الزهد शरीफ की हदीस है और अब ये हदीस हजरत मुस्तौरिदिन सद्दाद रजी अल्लाह वो फरमाते हैं है, साथ, 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 साथ चल रहे हैं चलते चलते देखते हैं कि एक जगह बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है नबी सल्लाम खड़े हो गए साहब के राम से मुखातिब होकर फरमाया हादही हा नहाक इस बकरी के मरे हुए बच्चे को देख रहे हो ये बच्चा अपने मालिक के नजदीक हकीर होगा जलील होगा बेफायदा होगा तभी मालिक ने ला करके यहाँ फे, यहाँ फेंक दिया है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के सहाबा समझ गए का अल्लाह के रसूल सल्लाम बकरी के बच्चा मर गया है अब मालिक के लिए किसी काम का नहीं है किसी फायदे का नहीं है हकीर है मालिक के नजर में इसीलिए ला करके फेंक दिया है कि करें तो क्या करें से जान तो निकल गई है जब ये बात समझ में आ गई राम को कि मालिक ने बकरी के मरे हुए बच्चे को इसलिए फेंका है कि ये किसी काम का नहीं है तब अल्लाह के रसूल सल फरमाते हैं इन नादी अलिया के लोगो सुनो आखिरत के मुकाबले में रब के नज़दीक दुनिया की वही हैसियत बल्कि इससे ज्यादा कम हैसियत है जो हैसियत मरा हुआ जो बकरी का बच्चा है इसकी जो हैसियत इसके मालिक की नज़र में है इससे कहीं कम ज्यादा हैसियत रब की नज़र में दुनिया की है आखिरत के मुकाबले में इस कदर अल्लाह के रसूल वसल्लम दुनिया में रहने वाले लोगों को दुनिया की हकीकत से आगाह किया वाजे किया कि दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है असल जिंदगी तो उखरवी जिंदगी है मौत के बाद वाली जिंदगी है लिहाजा बेहकीकत दुनिया के पीछे पढ़ करके हकीकत वाली आखिरत को फरामोश नहीं करना चाहिए हकीकत वाली आखिरत के ताल्लुक से धोखे में नहीं पढ़ना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर साहब कराम से फरमाया था कि तुम्हारी शिकस्त होगी जलील हो गए रसुवा हो गए वजह क्या होगी इस बेहकीकत दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत से नफरत हो जाएगी हदीस وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن نحن قلة يومئذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل

फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया लोगों एक जमाना ऐसा आएगा एक ऐसा दौर आएगा कि बातिल को मैं तुम पर इस तरह से टूट पड़ेंगी, जिस तरह से भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है साहबा कराब में से एक साहबी ने सवाल किया रसूल असूल सल्लाम क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी क्या उस वक्त हम कम कम होंगे तीन सौ तेरह हजार के मुकाबले में भारी पड़ जाने वाले साहबा सवाल के क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी कहते नहीं तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत जहाँग की तरह होगी पानी के बुलबुले की तरह होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं वलयनज़ियान अल्लाह मिन सुदूर अदुविकुम अलमहाबतम इनकुम तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से अल्लाह तबाराक व तआला तुम्हारा खौफ निकाल देगा दुश्मन तुमसे डरेंगे नहीं कुरान और हदीस का दावा करने वालों से डरेंगे नहीं खौफ नहीं खाएंगे दुश्मन क्यों, क्यों खौफ नहीं खाएंगे दुश्मन क्यों टूट पड़ेंगे वजह अल्लाह के रसूल सल्म फरमा रहे तुम्हारे दिलों में वहन जैसी बीमारी आ जाएगी वह न पैदा हो जाएगा सहाबी को लफ्ज वहन समझ में नहीं आता है कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ये वहन क्या चीज है आप फरमाते हैं हुब दुनिया व कराहियतुल मौत तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे दुनिया में जीने के बारे में सोचने लगोगे दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत से नफरत हो जाएगी मौत से नफरत करने लगोगे जब ये मामला आएगा जब ऐसा दौर आएगा तो बातिल में तुम पर टूट पड़ेंगी। बातिल में तुम्हें बाहे नाबूद करने के लिए तुम पर हमला आवर हो जाएंगी दुनिया की हकीकत के बारे में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया था रावी हदीस है थे, अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो फरमाते हैं क्या फरमाते हैं

दुनिया में रह करके दुनिया को सजाने और संवारने के पीछे मत पड़ा करो क्यों फतर गबू हा तुम दुनिया ही में मुनहमिक होकर के रह जाओगे और आखिरत तुमसे ओझल हो जाएगी मुआद बिन जबल रजी ताला यमन की जानब जा रहे नसीहत क्या फरमा रहे मुआद बिन जबल रजियाल्ला को नबी सद की नसीहत

अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं साले बंदे होते हैं दुनियावी ऐशो आराम की परवाह नहीं करते हैं दुनियावी ऐशो आराम की फिक्र उनकी जिंदगी में नहीं रहती है बल्कि वो आखिरत में आराम पाने की फिक्र में लगे रहते हैं वो आखिरत को सवारने की फिक्र में लगे रहते हैं वो आखिरत को सजाने की फिक्र में लगे रहते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने दुनिया की हकीकत को इस अंदाज से समझाया है वाजे किया है कि एक मुसलमान को दुनिया के पीछे पड़ना नहीं चाहिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजील को नबी वसल्लम की बेहतरीन नसीहत बेहतरीन नसीहत ये नसीहत में से हर शख्स को याद रखनी चाहिए और इसी नसीहत के मुताबिक दुनियावी जिंदगी गुजारनी चाहिए हरीस। उमर अकाल बेमन की भी।

मेरा कांधा पकड़ा मेरे कांधे के ऊपर हाथ रखा और फरमाया कु दुनिया का अन्न का गरीब अव आबिर क्या अब्दुल्ला दुनिया में इस तरह से रहो गोया के तुम अजनबी हो या फिर मुसाफिर हो अजनबी क्या करता है अजनबी जब किसी अजनबी शहर में जाता है जहां पर कोई जानने वाला नहीं होता है पहचानने वाला नहीं होता है वो अगर महल ही में क्यों नहीं रह रहा हो दिल बेचैन होता है दिल बेकरार होता है अपनों से बात करने के लिए तरस जाता है अपनों से मिलने के लिए तड़प जाता है अपनों की याद सताती है अजनबी है कोई जानने वाला नहीं कोई पहचानने वाला नहीं अजनबी के दिल में सबसे पहली और आखिरी यही ख्वाहिश होती है कि जानने वालों में कब जाए जानने वालों से कब हमारी बातचीत हो अपनों में कब हमारा रहना सहना हो इसी तरह से एक मोमिन के लिए यह दुनियावी जिंदगी गोया के एक अजनबी वाली जिंदगी अजनबी बन करके जिंदगी गुजारनी चाहिए और ख्वाहिश होनी चाहिए कि रबुल आलमीन से मुलाकात का वक्त कब आए मैदान मैसर कब कायम हो जन्नत में कब नसीब हो इस शौक में दुनियावी जिंदगी गुजारनी चाहिए एक मोमिन को औ आबिरो सबील या फिर ए अब्दुल्ला दुनियावी जिंदगी में रहो तो मुसाफिर बन करके रहो मुसाफिर की तरह रहो एक मुसाफिर जब सफर करता है तो सामान्य सफर कम से कम ले जाता है खास करके जब टिकट कंफर्म ना हो तो जब टिकट कंफर्म ना हो तो और परेशान रहता है जहनी टेंशन का शिकार होता है सीट मिले के सीट ना मिले बैठने के लिए जगह मिले के जगह ना मिले पता नहीं क्या होगा सफर कैसे खत्म होगा इसी तरह से अमल करने के बावजूद जन्नत की उम्मीद और जहन्नम का खौफ दिल में रखना ये एक मोमिन का सेवा है एक मोमिन की मत है पता नहीं क्या होगा अमल कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा ये सोचते हुए कम से कम दुनियावी असबाब को अपनी जिंदगी में लाए जिस तरह से मुसाफिर सामान्य सफर कम से कम ले जाता है इसी तरह से दुनिया में रह करके दुनियावी असबाब को कम से कम अपनाओ और आखरत की तैयारी करो आखरत के बारे में सोचो इसलिए कि ये दुनियावी जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है ये दुनियावी जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है अल्लाह तबारक व तआला सुरान कबूत के अंदर फरमाता है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू वलाइब वइन्नद्दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू या लमून ये दुनियावी जिंदगी खेल तमाशे के अलावा और कुछ नहीं वाइन दारल आखिर तहवान असली घर तो आखिरत का घर है वारल वा आखिर तहवान हमेशा रहने वाला घर है तो वह आखिरत का घर है लऊ कानू या लमून काश ये दुनिया के पीछे पड़ने वाले जान लेते काश ये दुनिया के पीछे पड़ने वाले जान लेते कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई भी हैसियत नहीं है दुनिया की कुछ भी हकीकत नहीं है अल्लाह तबारक इमरान के अंदर फरमाता है कुल्लो नफसिन मौत मरना हर शख्स को है मौत हर शख्स को आनी है गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी किसी ने क्या खूब कहा है कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी जिस तरह से शबो रोज गुजर रहे हैं आखरत की जानिब हम बढ़ रहे हैं कब्र से हम करीब होते जा रहे हैं उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए दो इंतजार में दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है जब से बनी है दुनिया लाखों आए बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है कुल्लो नफसिन मौत हर शख्स को मरना है दुनिया छोड़ना है दुनिया छोड़ करके जाना है आखिरत की मंजिल में कदम रखना है कामयाब वो है कामरान वो है जो दुनिया की हकीकत को समझते हुए आखिरत की हकीकत को समझते हुए दुनिया में जिंदा रहता है तो आखिरत को सामने रखते हुए जिंदा रहता है आखिरत की तैयारी करते हुए जिंदा रहता है आखरत के लिए सामान तैयार करते हुए जिंदा रहता है आखिरत को संवारने में जिंदगी गुजारता है आखिरत की फिक्र में ऐसों की जिंदगी गुजरती है अल्लाह तबारक वाल फरमाता है याद अल्लाकुम हयात दुनिया अल्लाह का वादा सच है अल्लाह का वादा हक है फला तक हया तो दुनिया ये दुनियावी जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे कहीं आखिरत को तुम्हारी नजरों से ओझल ना कर दे आखिरत की तैयारी करना कहीं तुम भूल ना जाओ दुनिया के पीछे पड़ करके नकुम बिल्ला और शैतान तुम्हें अल्लाह के ताल्लुक से कहीं धोखे में ना डाल दे या इन्ना हक। ए लोगो अल्लाह का वादा हक है ए लोगो, अल्लाह का वादा सच है क्यामत आएगी आखिरत में हिसाब किताब का मामला होना है अल्लाह तबार कोता सूरत तकास में फरमाता है अल्लाह को मुत्तकासुर कसरत तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है ने के पीछे भाग रहे हैं है। नमाज उनकी जिंदगी में नहीं है रोजा उनकी जिंदगी में नहीं है हज फर्ज है हज उनकी जिंदगी में नहीं है गरीबों और मिशिनों का ख्याल करना उनकी जिंदगी में नहीं है बेवाओं का ख्याल करना उनकी जिंदगी में नहीं है मिसकिनों का ख्याल करना उनकी जिंदगी में नहीं है यतीमों की गिरी उनकी जिंदगी में नहीं है अल्लाह को मुतकासुर कसरत तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है आदमी हलाल हराम की तमीज से परे माल के पीछे पड़ा रहता है सुरतु तकासुर में अल्लाह तबार व तआला फरमाता है अल्लाह को मुतकासुर हता मकाबिर कसरत तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है यहां तक कि तुम कब्र तक जा पहुंचे तो यह आयत इंसानों को मुतनबे करती है और ये दोनों आयतें मुतनबे करती है कि एक मुसलमान को दुनियावी जिंदगी में मुनहमी के रहा करके अपनी आखिरत तबाह नहीं करनी चाहिए अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी चाहिए बल्कि दुनिया में रह कर के आखिरत की फिक्र करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए अल्लाह तबारक वाल नाजियात का दिन फरमाता है फ़अम्मा तो मन तगा व आसर अल हयात अद दुनिया फ़इन्न अल जहीम हियल मावा जिसने सरकशी किया व आसर अल दुनिया दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी फ़इन्न तो अल जहीम हियल मावा दुनियावी जिंदगी को तरजीह देने वालों का ठिकाना जहन्नम है किस कदर तंबी है किस कदर अल्लाह तबारक वाली इस तल्लु से फरमा रहा है लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम दुनियावी जिंदगी की हकीकत को समझते हुए आखिरत की अजमत को सामने रखते हुए दुनियावी जिंदगी में रह के आखिरत की तैयारी में लगे रहें दुआ के अल्लाह तबारक वाल हमें दुनिया की हकीकत को समझने को तफी कता फरमाए मोहतरब नाजरीन अब वक्त हुआ नशस्त के अख्ताम का अगली नशस्त में फिर बातें होंगी इंशाल्लाह तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू